गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना? तो चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं, मात्रा में आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा से शब्द बनाना। तो सबसे पहले ए की मात्रा, ये जो क्या लिखा है, ए की जो मात्रा होती है वो ये होती है। इसे हम व्यंजन में लगाते हैं और शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैंने स के ऊपर ए की मात्रा लगाया तो ये क्या बन गया, से, और इसके बाद लिखा है र तो ये हो गया सैर। वैसे ही ब पे ए की मात्रा, बे और ल, बैल। क पे ए की मात्रा, कै। म, र में आ की मात्रा, रा, कै म रा या कैमरा। ऐसे ही म पे ए की मात्रा और न में आ की मात्रा, मैं, ना। थ में ए की मात्रा और फिर ल में आ की मात्रा, क्या बन गया, थैला। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए इसे, सैर, बैल, कैमरा, मैना, थैला। ये सारे कौन से शब्द हैं? ये सब ए की मात्रा वाले शब्द हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा ये होती है, इसे भी हम व्यंजन में लगाएंगे। जैसे देखिए, घ के साथ ओ की मात्रा लगा दिया तो घो, और फिर ड में आ की मात्रा है तो ये क्या बन गया, घोड़ा। फिर म में ओ की मात्रा और र, मोर। च में ओ की मात्रा, चो और र, चोर। ज में ओ की मात्रा, क और र, जो क र, जोकर। फिर म में ओ की मात्रा, मो, ट और र, मोटर। ये शब्द हैं ओ की मात्रा वाले, घोड़ा, मोर, चोर, जोकर, मोटर। ऐसे ही आप और भी शब्द लिखेंगे। फिर है अ की मात्रा वाले शब्द। अ की मात्रा ये होती है और इसे भी हम व्यंजन में लगाएंगे। यहाँ देखिए, न के साथ हमने इसे लगा दिया तो ये बन गया नौ, और फिर क में आ की मात्रा, का, नौका। ल में भी औ की मात्रा है तो लौ, और क में ये कौन सी मात्रा है, ये मात्रा आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिए, ये बड़ी ई की मात्रा है तो ये क्या पढ़ेंगे, की, लौ की, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी देखिए, ख में ये छोटी ई की मात्रा लगी है, फिर ल में अ की मात्रा लगी है और न में आ की मात्रा लगी है, तो इसे हम मिला के जब पढ़ेंगे तो खी, लौ, ना, क्या बन गया, खिलौना। वैसे ही फिर न में भी अ की मात्रा है, क और र, नौकर। द में अ की मात्रा, ड और न में कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया, दौड़ना। फिर से पढ़िए औ की मात्रा वाले जो शब्द हैं, नौका, लौकी, खिलौना, नौकर, दौड़ना। ये सारे शब्द हैं औ की मात्रा से। तो आज हमने ए की मात्रा वाले शब्द, ओ की मात्रा वाले शब्द और औ की मात्रा वाले शब्द, ये सारे शब्द हमने पढ़े। आप इन शब्दों का अभ्यास करेंगे और इन मात्राओं से और भी नए नए शब्द को बनाएंगे और होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। मैंने गृह कार्य आपको दे दिया है, उसे जरूर करिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।